साहस सरोकार। लखनऊ के लेवाना होटल में लगी भीषण आग, अब तक 5 की मौत, कई लोग अस्पताल में भर्ती। मुंबई दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह, फिल्म मेकर रोहित शेट्टी से की मुलाकात। चुनाव में ईवीएम का इस्तेमाल बंद करने की मांग वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट ने की खारिज। गुजरात में बोले राहुल गांधी का, सरकार बनी तो 3 लाख रुपए तक के कृषि लोन करेंगे माफ। दिल्ली में डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बदले की नियत से काम कर रही है केंद्र की सरकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का, आइए नजर डाल लेते हैं। फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में सेक्टर 64 को कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने बड़ी सौगात दी है। यहां पर उन्होंने एक पार्क का शुभारंभ किया, साथ ही उन्होंने कहा है कि बल्लभगढ़ ऑडिटोरियम का निर्माण भी शुरू करा दिया जाए। वहीं इसको लेकर जल्द ही सभी प्रक्रिया पूरी कर ली जाएंगी। साथ ही हल्ला बोल रैली को लेकर उन्होंने कहा है कि कांग्रेसियों के पास कुछ बचा नहीं है, इसलिए वो हल्ला मचा रहे हैं। जो भी लागत होगी, इसकी चारदीवारी, इसका फुटपाथ है, उसकी तैयारी सारी हमने दिए हैं और जल्दी ये बनकर तैयार होगा। बहुत लंबे समय से डिमांड थी, ये होंडा के सेक्टर है और जितनी भी लागत 18-20 लाख जो भी होगा इसे बना के तैयार करेंगे। मऊ जनपद में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी में ओम प्रकाश राजभर के खिलाफ बड़ी बगावत हो गई। उनकी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष महेंद्र राजभर के साथ कई पदाधिकारियों ने भी पार्टी की सदस्यता छोड़ दी। साथ ही ओम प्रकाश राजभर पर पार्टी के मिशन से भटक जाने का आरोप लगाया है। हम लोग सामूहिक 35 की संख्या में पार्टी से इस्तीफा दिए हैं। क्या ऐसा कारण है कि आपको इस्तीफा देना पड़ा? ओम प्रकाश राजभर अपने लड़ाई से भटक चुके हैं। ओम प्रकाश राजभर अगर लड़ाई से भटके नहीं होते तो जो पूर्व में विधानसभा का चुनाव हुआ है, एक भी समाज के व्यक्ति को उन्होंने टिकट नहीं दिया, केवल अपने परिवार तक ही सीमित रह गए। ये सुना जा रहा है कि ये तो सपा पार्टी में थे और अखिलेश जी से टिकट मांगे थे, नहीं पाए थे। ऐसा कहीं कोई बात नहीं है। जब कोई भी डिसीजन लेना होता है तो अकेले ओम प्रकाश राजभर जी जाते हैं, तो गठबंधन या ताली, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, एक हाथ से नहीं बजता है। ताली जब भी बजता है दोनों हाथ से बजता है। तो ऐसा नहीं है कि अखिलेश जी का इसमें कहीं कोई दोष है। अखिलेश जी आधा सीट इनको सामान्य दे रहे थे, आधा सीट इनको सुरक्षित दे रहे थे। ये खुद मांग रहे थे कम से कम 15 सीटें सुरक्षित मांग रहे थे, ताकि अखिलेश जी के ऊपर हम दोष भी लगा दें और हम जो चाहें वो कर भी लें। अलीगढ़ के जिला अस्पताल मलखांस के वार्ड नंबर 7 के पीछे बनी मजार को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं, जिसके चलते इस विषय में आरटीआई से सवाल पूछा गया। वहीं इस पर सीएमएस की ओर से जवाब दिया गया है कि इसका कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है, ऐसे में इसकी वैधता को लेकर भी जानकारी दी जा सकती है। 7 नंबर वार्ड के पीछे एक मजार बनी है, उसके बारे में उन्होंने पूछा है, कब से है, क्या है वो, इसका कोई अभिलेखों में वो नहीं है जानकारी, ना हमें मिली है। अभी 6-7 महीने से ही मैंने ज्वाइन किया है। जो वहाँ पे पुराने वर्कर रह रहे हैं, कर्मचारी हमारे, उनसे पता किया गया तो उन्होंने बताया कि उनके भी पहले से है, मतलब 40-50 साल से तो वही रह रहे हैं, उससे भी पहले की है। अब इसका कोई अभिलेख नहीं है, इसके बारे में और मैं आगे शेयर बता सकती हूँ। बिल्हौर के मक्कनपुर में महिला समेत 2 बच्चों का शव मिलने से हड़कंप मच गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस समेत आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। वहीं घटना की गंभीरता को देखते हुए फॉरेंसिक टीम को मौके पर बुला गया। आपको बता दें कि पुलिस ने तीनों को शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस घटना की जाँच में जुटी हुई है।
कानपुर आउटर के थाना बिल्लौर के अंतर्गत मकनपुर कस्बे में एक घटना हुई है जिसमें रागिनी वाइफ मनोज कुमार अपने दो बच्चों सहित अपने कमरे में मृत पाई गई है। प्रथम दृष्टया ये मामला सुसाइड का लगता है और बाकी जांच की जा रही है। फॉरेंसिक टीम भी आ गई है मौके पर और शेष इसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद जो जैसा पता चलेगा उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। चूरा फार्मास्यूटिकल्स ने लखनऊ में आयोजित एक समारोह में अपने नए उत्पाद च्यवनप्राश की श्रृंखला को लॉन्च किया है जिसका शुभारंभ भजन सम्राट अनूप जलोटा के हाथों किया गया। आपको बता दें कि यह पूरी तरह आयुर्वेदिक है, इसमें किसी भी तरह के हानिकारक केमिकल्स का इस्तेमाल नहीं किया गया है। वहीं इस कार्यक्रम में भजन सम्राट अनूप जलोटा ने अपनी पेशकश भी दी। जी, हमारा प्रोडक्ट जो है नेचुरल आयुर्वेदिक तरीके से बना हुआ है, इसमें सारे आयुर्वेदिक औषधि रखे हुए हैं और हमने इसमें केसर का भी युक्त किया है ताकि इसके लिए इम्यूनिटी बिल्डिंग में हेल्प कर सके। जैसा कि हमने देखा लास्ट 2 सालों में कि इम्यूनिटी का क्या महत्व है और इस तरीके से अगर हम लोग च्यवनप्राश का सेवन रोज़ करेंगे तो हमारे ही सेहत के लिए नहीं और हमारे देश के लिए भी अच्छा होगा। इम्यूनिटी पावर के साथ ये है कि ये हर एज ग्रुप के लिए है एंड हमारे पास शुगर फ्री वेरियंट भी है, जो शुगर पेशेंट्स हैं वो भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और प्लस ये डेली एक्टिविटी में डेली हेल्दी लाइफस्टाइल को प्रमोट करता है। उत्तर प्रदेश में हर रोज हो रहे पत्रकारों पर झूठे मुकदमे को लेकर अखिल भारतीय पत्रकार सुरक्षा समिति में आक्रोश है। आपको बता दें कि लंबे समय से अखिल भारतीय पत्रकार सुरक्षा समिति के तरफ से पत्रकारों की आवाजों को उठाने का काम किया जा रहा है, साथ ही पत्रकार सुरक्षा समिति पत्रकार सुरक्षा कानून की मांग भी लंबे समय से की जा रही है जिससे हर रोज पत्रकार पर दर्ज हो रहे झूठे मुकदमों पर लगाम लगाई जा सके, साथ ही पत्रकारों के साथ हो रहे अत्याचारों पर भी विराम लग सके। अखिल भारतीय पत्रकार सुरक्षा समिति युवा दिन के उत्तर प्रदेश में उसका जो यहाँ का अलीगढ़ था उन लोगों ने मेरठ की एक घटना को लेकर के ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को प्रेषित करने के लिए दिया है। यह ज्ञापन उनका आवश्यक कार्यवाही है, यथाशीघ्र प्रेषित कर दिया है। अखिल भारतीय पत्रकार सुरक्षा समिति के द्वारा एक ज्ञापन DM अलीगढ़ के माध्यम से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को भेजा गया है, जिसमें मेरठ में एक संपादक हैं जफरयाब राव साहब, उनका एक अखबार प्रकाशित होता है मेरठ से दैनिक सावर्टन, उनके द्वारा एक अवैध हॉस्पिटल की खबर प्रकाशित की गई थी जिसको लेकर अवैध हॉस्पिटल संचालक के जो मिलने वाले हैं उनके द्वारा उनके खिलाफ रंगदारी का झूठा मुकदमा दर्ज कराया है जिसको लेकर पत्रकार जगत में शोक व्याप्त है। उसी को लेकर उत्तर प्रदेश में लगातार पत्रकारों के द्वारा प्रदर्शन करने की चेतावनी दी गई है। देवरिया के रामपुर कारखाना थाना क्षेत्र के मस्जिद वार्ड के पास मारपीट हुई जिसके चलते पुलिस ने 3 मासूमों पर मारपीट और छेड़खानी का मुकदमा दर्ज कर लिया। आपको बता दें कि उसमें से एक कक्षा 8 की छात्रा है और वहीं एक 11वीं की, साथ ही एक 12वीं की भी छात्र है। वहीं परिजनों का आरोप है कि पुलिस की मिलीभगत के चलते एक पक्षीय कार्यवाही करते हुए तीनों नाबालिग बच्चों पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। क्या हुआ है? दरखास्त लगाए हैं अंतिम, हमारे घर विवाद मतलब किए हैं लोग जमीनी का और बच्चों के झगड़े के लेकर। हाँ, कार्रवाई जो हम लोग को चालान किए हैं 24 तारीख को, हम लोग जमानत करा के घर गए, फिर भी हमारे बाद में जाने के बाद कि आज शुक्रवार को फिर वो लोग क्या किया है लोग के दिन हमारे छेड़खानी का बच्चों पर हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया है दरोगा जी और चाहे SP साहब जो भी लगाए हो, हम चाहते हैं कि हमारे साथ इंसाफ हो। बिजनौर के नूरपुर क्षेत्र के गांव फीना में जहां 2 बच्चों की मौत होने के बाद से बीमारी का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है, वहीं अब बुखार से 7 लोगों की मौत होने से ग्रामीणों में दहशत बनी हुई है जिसके चलते गांव की ज्यादातर दुकानें भी बंद हैं। आपको बता दें कि स्वास्थ्य विभाग शिविर लगाने का दावा तो कर रहा है लेकिन ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं से संतुष्ट नहीं है। जानकारी के मुताबिक इस समय 100 से ज्यादा लोग बुखार की चपेट में आ चुके हैं। 2 महीने में कम से कम यहाँ 7 मौतें हो चुकी हैं जिसमें 3 बच्चे मरे हैं और 4 बड़े आदमी मरे हैं। क्या सरकार की ओर से सरकार तरफ से इतना आया कि कैंप लगे हैं,
10-20 गए, काम खत्म। ऐसा कुछ नहीं है सरकार की तरफ से कि हाँ घर घर जाएंगे समझ के बोर या कोई छिड़काव हो रहा है नाली में का, ऐसा कुछ नहीं है। आज ये यहाँ पर हेल्थ कैंप के लिए स्पेशल ड्यूटी लगाई गई है ओनली, जिन्हें में कोई डॉक्टर नहीं है। फीवर का प्रकोप है क्या है? हाँ, यहाँ पे बुखार फैला हुआ है, इसलिए यहाँ पे हेल्थ कैंप लगाए हुए हैं। कितने पेशेंटों को अब तक देखे? 171 मरीज कल देखे गए हैं। कुशीनगर में कस्या पुलिस ने सरकारी स्कूलों पर चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया। आपको बता दें कि पुलिस ने चोरी किए गए चोरी के सामान के साथ दो लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। मुखबिर की सूचना पे आज दो अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है, जिनसे पूछताछ के क्रम में उनके द्वारा बताया गया कि जो भी प्राथमिक विद्यालयों में इधर बीच की चोरियां हैं उनके द्वारा एक कारित की गई है, लेकिन में से 5 कसिया थाना क्षेत्र की और 1 पुरपट्टी थाना क्षेत्र में की गई है। वो सभी सामान लगभग बरामद हुआ है, जिसमें कई सारे सीलिंग फैन है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल है, ताले जो तोड़े गए थे वो ताले, कुछ और भी सामान जो उनके द्वारा ले गए, कुछ टुल्लू पंप, इस तरह की जो भी चीज़ें थी लगभग बरामद की गई हैं। और जो एक अभियुक्त बचा है उसके भी गिरफ्तारी का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। बिजनौर थाना कोतवाली शहर में फर्जी दरोगा ने नौकरी दिलवाने के नाम पर फर्जी ज्वाइनिंग लेटर के साथ दबोच लिया। वहीं फर्जी दरोगा गांव में रौब दिखाता था और फर्जी तरीके से मासूम को अपनी जाल में फंसाकर उन्हें नौकरी दिलाने के नाम पर रुपए लेता था। वहीं पुलिस ने फर्जी दरोगा को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पिताजी का नाम? श्री रामपाल सिंह। कहाँ के रहने वाले हो? दूसरा गांव कौन सा तुम्हारा? हल्दों के पास है, टुकड़िया। अच्छा, कैसे पकड़े गए थे? इन्होंने पैसे के बहाने से बुलाया था, इसलिए पकड़ा गया। अच्छा, कॉल लेटर दिया था आपने इनको? हाँ, कॉल लेटर दिया था। थाना हल्दौर क्षेत्र निवासी सेंटी कुमार, जो कि शेरपुर कल्याण ग्राम थाना हल्दौर का रहने वाला है, कल कोतवाली नगर पुलिस ने इसकी गिरफ्तारी की, जिसने कि फर्जी पुलिस उपनिरीक्षक की वर्दी पहनी हुई थी, पुलिस विभाग में नौकरी लगवाने के नाम पर आम लोगों से धोखाधड़ी करके पैसे लेता था, फर्जी ज्वाइनिंग लेटर देता था। दो लोगों को ज्वाइनिंग लेटर कल देने आया था, जिस सूचना पर पुलिस ने इसकी गिरफ्तारी की। औरैया के अछलदा थाना क्षेत्र के बंशी गांव में जहां पुरानी रंजिश के चलते दो पक्षों में झड़प हो गई। झड़प के दौरान लाठी डंडे से एक दूसरे पर हमला किया गया। हमले के दौरान युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसके बाद युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई। मामला लड़ाई झगड़े का है, जिसमें दो लोग हमारे पास लाए गए थे, जिसमें से जो एक लाए गए हैं सुरेश बाबू, वो ब्रॉड डेड लाए गए थे। मतलब जब वो आए हैं ना, उनकी पल्स चल रही थी ना दिल की धड़कन चल रही थी, उसकी जगह था वो ब्रॉड डेड थे। और जो दूसरा उनका बेटा है सोन, जिसकी उम्र लगभग 26 साल है, उसको सीरियस हेड इंजरी थी, इसलिए उसको यहाँ से प्राइमरी ट्रीटमेंट दे के और उसको वहाँ रेफर कर दिया सेंट्री मेडिकल कॉलेज में। ग्राम सभा बंसी का पूर्वा दयाराम है, इसमें दो पक्षों में लाठी डंडों की मार हुई है। तत्काल पीआरबी मौके पर पहुंची, वहाँ पे 4 लोग घायल थे, जिन्हें तुरंत सीएचसी अछलदा लेकर आया गया। जैसे ही हॉस्पिटल लाए तो एक सुरेश बाबू, इनको मृत घोषित कर दिया गया। राजकुमार, जिनके हेड इंजरी थी, उनकी खून भी आ रहा था, उसे सैफई रेफर कर दिया है। लखीमपुर खीरी में मैलानी थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सुआबोध जंगली हाथी गन्ने और थान के खेत में घुस गए। आपको बता दें कि पीड़ितों ने बताया कि जंगली हाथियों ने खेतों में घुसकर गांव वालों की फसलों को बर्बाद कर दिया है, अब लोग अपना भरण पोषण कैसे करेंगे। वहीं घटना की सूचना वन विभाग को दी गई, वन विभाग की टीम जल्द ही हाथियों को पकड़ने में सफल होगी।
फरीदाबाद में कार्यालय पर शिक्षक दिवस के अवसर पर पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर राधा कृष्ण सर्वपल्ली जी को श्रद्धा सुमन अर्पित कर नमन किया गया। इसे शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। वहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा, आज डॉक्टर राधा कृष्णन जी की जयंती के बारे में लोगों को बताया। साहब ने अपना पूरा जीवन शिक्षा दीक्षा में बिता दिया। वहीं भारत सरकार ने डॉक्टर राधा कृष्णन सर्वपल्ली जी को भारत रत्न सम्मान किया। हम सभी को उनके आदर्शों को अपनाना चाहिए। फिलहाल के लिए उत्तर प्रदेश की खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस।